स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बात करना चाहेंगे गन्ना प्रजाति CEO NK14201 के बारे में। जैसा कि कई किसान भाई हमारे कहते हैं कि यह प्रजाति अच्छा प्रोडक्शन देने में नहीं है, इसका उत्पादन अच्छा नहीं है, तो आज हम अपने किसान भाई के पास आए हैं जो कि लखीमपुर के निवासी हैं। सांडा गाँव में इनका निवास है, जो फार्म है। आइए इनसे कुछ चर्चा करते हैं इस प्रजाति के बारे में, किस प्रकार की ये प्रजाति है, क्योंकि ये किसान हमारे 2 साल से इस गन्ना प्रजाति को लगा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में ये कैसी प्रजाति है। धन्यवाद। अच्छा, बहुत से किसान भाई को हमारे पास ही फोन कॉल आते हैं कि इस बाटी कैसी है, यानी कि इसकी बढ़वार से संबंध में सबसे ज़्यादा हमसे सवाल किए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी सवाल किया जाता है कि ये क्या 238 ना उत्पादन देने की क्षमता रखती है। सबसे बड़ा सवाल यही आज के ज़माने में किसानों के पास है कि क्योंकि जो हमारी 280 किस्म थी उसमें काफ़ी रोग आने के बाद में जो हमारे किसान भाई नई गाटियों की तलाश में है, तो इससे में जो 14201 है उनको बेहतर ऑप्शन नज़र आ रहा है। तब भी वो किसान भाई की नज़र में एक सवाल रहता है जो वाजिब भी है कि ये जो किस्म है 0238 इतना उत्पादन देने की क्षमता रखती है, क्योंकि तो तकरीबन हम 2 साल से इस बैटरी की खेती किसान भी लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका जो मेन जो इसका जो कमियाँ हैं या गुण हैं वो आज हम लोग उसको जानेंगे, यानी कि किसानों के जो सवाल थे उनको आज जवाब देने का हम लोग आज प्रयास करेंगे। ऐसे कई किसानों ने हमारे क्वेश्चन किया है कि ये प्रजाति अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं, मैंने आप इसकी बिजाई ना किया, क्या यह बात सत्य है कि हमें इस प्रजाति की बिजाई नहीं करनी चाहिए? नहीं किसान भाई, ये तो बात गलत है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छा था। क्योंकि बात ये है कि ये जो बैटरी किसान भी है, जैसे हमारी अगर हम लोग 0238 इसकी तुलना करें, तो जैसे हमारी 0238 की शुरुआत से ही बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करती है, उस तरीके की किसान भाई ये किस्म नहीं है। ये थोड़ा हल्के हल्के से नीचे से ग्रोथ करना स्टार्ट कर, यानी कि इसकी जो शुरुआत में लंबाई है आपको काफ़ी कम नज़र आएगी, परंतु जैसा ही आपका किसान बरसात आती है उस सीजन में मानसून पीरियड से ये लंबाई बढ़ना स्टार्ट करती है, उसके बाद ठंडक में किसान इसकी लंबाई बढ़ती रहती है, यानी कि थोड़ा लेट ग्रोथ करने वाली बैटरी है। तो वो किसान भाई इस बैटरी को ख़राब बोलते हैं, जो किसान भाई जिस जब बैटरी को लगाते हैं उनके खेत में जब घास ज़्यादा हो जाती है, तो घास कम हाइट की होने की वजह से जब उसके उसमें पत्ते कम होंगे, जो कम सरफेस एरिया घेरेंगे, तो उसमें घास होना वाजिब है। अगर आप इसमें घास ना होने दें और उसके बाद में अगर आप इसको थोड़ा ये भी इसमें देखा गया कि थोड़ा ज़्यादा खाद चाहने वाली किस्म है, अगर आप इसमें घास नहीं होने देते, गन्ना आपका अच्छा शुरुआत में रहता है और उसके बाद जब मानसून पीरियड आएगा तब इसकी आप बढ़वार देखेंगे, तो एकदम से इसकी जो बढ़वार उसमें विस्फोट होता है, काफ़ी तेज़ी से ये लंबाई पकड़ती है। और सबसे बड़ी इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जब शुरुआत में ये बैटरी, क्योंकि सभी बैटरियों का अलग अलग किसान वीरों करेक्टर होता है, कोई बैटरी शुरुआत से भागती है बहुत तेज़ी से, कोई बैटरी ये बैटरी में ऐसा नहीं है कि शुरुआत में बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ लेगी, ये बैटरी हमारी शुरुआत में खाली टिलरिंग करती है ज़्यादा, यानी कल्ले काफ़ी याद देती है, अपना जो रूट सिस्टम है उसको काफ़ी गहरा तक लेके जाती है, तभी ये बैटरी हमारी गिरती नहीं है। बाकी अगर हम 238 से तुलना करें तो ये बैटरी हमारी बिल्कुल ही गिरती नहीं, खाली एक मधाई आप इसकी गिरा दें और तभी एक बैटरी हमारी खड़ी रहती है, क्योंकि शुरुआत में खाली ये कल्ले देती है और अपने रूट सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग नीचे करती है, इसीलिए गन्ना बैटरी गिरती नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हमारी यह गन्ना प्रजाति स्टार्टिंग से स्लो ग्रोथ कर रही है, कम हाइट ले रही है, तो वह किसान भाई इस वैरायटी को परेशान ना हो लेकर? हाँ, क्योंकि ये इसका करेक्टर है, शुरुआत में ये कम हाइट लेगा, उसके बाद में जब आपका बरसात आएगी तब से लंबाई पकड़ना स्टार्ट करेगी और धीरे धीरे आपकी जो दूसरी वैरायटियाँ उनसे ये किसान वीरों हाइट में उतनी ही लमसम उनके बराबरी आखिर तक पहुंचते हो जाती है। हाइट इसकी कितनी हो जाती है? जैसा कि आप ये हमारा प्लॉट देख रहे हैं, ये नवंबर माह की प्लांटिंग है, ट्रंच विधि से सामान्य जो हमारा ट्रंच होता है उससे हम लोगों ने इसकी प्लांटिंग की है, तो आप देख रहे होंगे तकरीबन गन्ने की जो हाइट है वो आपका 10 फीट तक गन्ने की हाइट है, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे और हो चुकी है। और सबसे बड़ा इसमें किसान विरोध बात ये है कि इसमें कल्ले देने की समस्या, बहुत सी बैटियाँ होती है इसमें कल्ले नहीं निकलते, इसमें ऐसा नहीं है, तकरीबन आपको 10-10 कल्ले आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सिंगल बड़ की प्लांटिंग है, एवरेज आपको पूरे खेत में इसी प्रकार कल्ले देखने को मिलते हैं। हाँ, मैं आपको आगे भी कैमरा मैन कहूँगा कि आगे ही आए तो आपको मैं आगे भी दिखा कहूँगा, देख रहे हो पूरे खेत की जो लंबाई है तकरीबन 10 से 11 फीट तक गन्ने की लंबाई आप देख रहे हो, पूरे गन्ने की लंबाई इसमें हो चुकी है और किसी प्रकार का आपको इसमें रोग या कीटों का आक्रमण आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिससे कि बहुत किसान भाई सवाल करते हैं। तो आप देख रहे होंगे गन्ने की लंबाई, काफ़ी आकर्षक गन्ने की लंबाई हमारे खेत में चल रही है और इसमें हम लोगों ने सह फसली भी ली थी, यानी हम लोगों ने इसमें लाहे की फसल बीच में ली थी, बीच में जो हमारे बीच वाला स्पेस है, तब भी इस बैटरी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारे खेत में उभर के आ रहा है। तो ये कहना गलत है कि इस बैटरी की लंबाई नहीं बढ़ती,
परंतु ये जरूर है कि ये थोड़ा लेट में लंबाई पकड़ना स्टार्ट करती है, परंतु लंबाई इसकी होती तकरीबन 11-12 फीट तक, ये गन्ना खाली गन्ना गन्ना हमारा ये बन जाता है। ये वाटी ठीक उसी प्रकार के कैरेक्टर दिखाती है जैसे हमारा पहले गन्ना था 84-36, उसको भी लोग कई लोग बहुत ही खराब बोलते थे, कई किसान बोलते थे बहुत अच्छी वाटी, क्योंकि वो भी थोड़ा शुरुआत में ग्रोथ कम करती थी परंतु उसकी जो हाइट रहती थी तकरीबन 8 फीट रहती थी, परंतु ये गन्ने जो वाटी है कि इसकी जो भड़वार है हमारी 84-36 से ज़्यादा हो जाती है और उससे फुटाव भी इस वाटी का ज़्यादा है, पेड़ी भी अच्छी है। ये इसमें एक बात और है कि जितनी नई वाटियाँ हैं सबसे अच्छी अगर किसी की पेड़ी है तो कोलक 14201 गन्ना वाटी की पेड़ी, क्योंकि हमारे पास तकरीबन आज 1.5 एकड़ के पास पेड़ी है हमारे पास, जिसमें हम लोगों को 15 से 20 कल्ले हम लोगों को एक एक सिंगल बर्ड से लोगों की जो लगाया था उसकी हार्वेस्टिंग जो अप्रैल में की है उसके बाद हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, तो ऑल ओवर बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है। तो आपका कहने का मतलब है इसका जो रेटिंग के साथ साथ इसकी पेड़ी भी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा उत्पादन लेके तैयार होती है। हाँ हाँ, और उसके साथ इसमें एक चीज़ और है कि जैसे हमारा 0238 के अगर हम लोग इसके कंपेयर करें तो 0238 के मुकाबले इसमें भार भी ज़्यादा है, क्योंकि गन्ना पूरा ठोस होने के कारण इस गन्ने में भार भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जी, बात करिए इसकी कुछ पहचान की, तो कोई किसान हमसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसकी पहचान है, कैसे वो इस प्रजाति को जाने, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में कई किसानों ने नई प्रजाति के तौर पर गलत बीज किसानों को प्राप्त किए हैं, काफी पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने कई किसान भाइयों को गलत बीज दिए हैं, तो क्या उसकी मेन पहचान है जिससे कि किसान भाई हमारे गुमराह ना हो इसका सटीक बीज प्राप्त कर सके? क्योंकि हाँ, बहुत ही सही आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि बहुत किसानों भाइयों को उन्होंने नकली बीज दे दिए हैं कई किसानों ने, तो ऐसा ना करें किसान भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऐसा कृपया आप ना करें। आपको किसानों को जो भी बीज देना है बेशक आप हल्का उनसे रेट ज़्यादा लें, परंतु किसानों को जो चीज़ दें वो बिल्कुल जेन्युइन दें, क्योंकि किसान एक साल उसकी सेवा करता है, उसके बाद उसको चले पता कि उसको जो वैटी दी गई है वो डुप्लीकेट है, तो कितना खराब लगता है, क्योंकि आप भी किसान है वो भी किसान सामने वाला, तो ऐसा आप ना करें। जो भी किसान को किसी चीज़ को अब किसी भी किसान को जो चीज़ दें बिल्कुल जेन्युइन दें, ओरिजिनल बीज दें। अगर आप जैसा सवाल कर रहे थे कि इसकी पहचान, तो सर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बहुत ही सरलता से आपको बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या है। जैसा कि आप पूरे प्लांट को हमारे देख रहे होंगे, आपको मैं कैमरा में रखूँगा उसकी पत्तियां को ऊपर दिखाए, देख रहे होंगे पूरी इसकी पत्तियां देख रहे होंगे खड़ी पत्तियां हैं, आसमान की तरफ पत्तियां खड़ी हैं, यानी कि स्ट्रेट रहती है ऊपर। जैसे हमारे 0238 से यहाँ अन्य किस्में देखते हैं उनकी पत्तियां नीचे झुक जाती हैं, ऐसा इसमें नहीं, देख रहे होंगे पूरी इसमें आसमान की तरफ पत्तियां खड़ी, जैसा कि आपको इसमें देख सकते देख रहे होंगे ये पत्तियां हैं इसकी पूरी आसमान की तरफ खड़ी हैं, और हालांकि पतली पत्तियां बहुत चौड़ी पत्तियां इसकी नहीं है, ये इसकी विशेष पहचान है। इसके साथ साथ इसके जो पत्तियों के जो किनारे होंगे इस पे आपको हल्के हल्के आपको इस पे उसके हाथ फेरेंगे तो हल्के हल्के आपको कांटे नजर आएंगे, बहुत ज्यादा कांटे इसमें नहीं है, कि अगर आप बहुत ज्यादा कांटे इसमें ढूंढें 0118 से इसमें बहुत ही कम कांटे, खिलाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, हल्के हल्के आपको इस पे कांटे नजर जरूर आएंगे, कोई खास कांटे नहीं, इतने खास कांटे खाली आपको मैं पहचान के तौर पर बता रहा हूँ। और जो अगर मैं आपको आपके सामने गन्ना हो तो गन्ने से आप कैसे पहचान लें कि यहाँ हमारा 14201 का गन्ना है, जैसा कि मैं आपको मैं गन्ना दिखाऊं तो इसे ये देख रहे हैं आप, ये हमारा गन्ना है, ये कोलक हमारा 14201 का गन्ना ही है पूरा, देख रहे होंगे यहाँ पे गन्ने की पत्ती उतरी हुई, वहां तो गन्ने का हो जाएगा रंग आपका काला हल्का काला सुथरी ठीक इस तरह से, और यहाँ गन्ने की पत्ती जैसा मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे गन्ने की पत्ती नहीं उतरी है, देख रहे होंगे ये देख रहे ऊपर तक दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख रहे हो गन्ना हो जाता है सफेद, देख रहे हो गन्ना बिल्कुल सफेदी लिए रहा है, जहाँ पे गन्ने की पत्ती उतरी गन्ना हल्का पुराना हो गया, वहाँ पे देख रहे होंगे इसका कालापन और सफेदी लिए गन्ना रहता है। इसमें सबसे बड़ा इसमें किसानों का गुण ये है कि देख रहे होंगे जैसे ही इसकी देख रहे होंगे आँख खत्म होती गन्ने की, इसके बाद में आपको पीले रंग का छल्ला इसमें नजर आएगा, ये रिंग सर्कल, हाँ रिंग सर्कल, और जब आपकी ये आंख मैच्योर हो जाएगी इस पे आपको पंख नजर आएंगे, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे ये देख रहे होंगे पंख नुमा आकृति इस पे जो गन्ने की आंख है इस पे आपको देखने को नजर आएगी, ये देख रहे होंगे ये इसकी पंख हैं, जैसे ही हमारी ये बर्ड मैच्योर होती जाएगी ये पंख और भी उभार लेते आएंगे, भूरे रंग के ये पंख होते हैं, ये आपको किसी अन्य गन्ने पे देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये इसके पंख है, ये चीज़ देख रहे होंगे पंख है आपको इस पे नजर आएंगे, और जितने भी आंखें हैं देख रहे होंगे सब पे आपको पीले रंग का छल्ला, जैसे ही बड़ खत्म होती पीले रंग का छल्ला आपको बहुत ही पतला देखने को मिलेगा, गन्ने का जो रंग है जो एचोल में जो रंग रहता है जब आप इसकी पत्ती उतारेंगे तो देख रहे हैं ये सफेद रंग रहेगा, जैसा कि ये चीज आपको यहाँ नजर, जब पत्ती गन्ने की ऑलरेडी उतरी हो गन्ना हल्का पुराना, जब गन्ना थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तब इसका गन्ने का जो कलर होगा जैसा कि ये देख रहे होंगे हल्का सफेदी और कालापन इसमें रहेगा, ये तो जनरली हर प्रजाति में देखने को मिलता है, जब उसकी पत्ती उतर जाती है तो हल्का कालापन रंग ले लेता है।
और सबसे बड़ी बात, जब गन्ने को आप इसको काट के देखेंगे सर, इसमें आपको अंदर गन्ने के अंदर चाहे गन्ना जितना भी मोटा हो जाए इसके अंदर आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि काफी ठोस गन्ना रहता है। हाँ, बाल निकलने भर का अंदर स्पेस गन्ने के अंदर नहीं होता, यही बहुत ही ठोस बैटी है। और पहचान जैसे मैं आपको बताया, अगौले इसके खड़े रहते हैं, हल्का हल्का आपको इस पे कांटे नजर आएंगे। गन्ने का जो रंग है वो सफेदी लिए रहता है, और जैसे एक बड़ खत्म होती है उसके बाद में आपको आँख देखने को, आँख के ऊपर आपको छल्ला देखने को मिलेगा पीले रंग का, और इसके साथ साथ जो हमारा बड़ होती है उस पर आपको पंख नुमा आकर देखने को मिलेगी। ये कुछ खास इसकी पहचान है, अगर आप कहीं भी इसका बीज ले जाएँ तो ये चीज़ आप उसमें जरूर देखने। जैसा किसान भाइयों इन्होंने बताया है कि इसकी पत्तियाँ ऊपर की तरफ खड़ी रहती हैं, आपको रिंग सर्कल देखने को मिलेगा, जो आँखें हैं उसकी दोनों तरफ पत्तियाँ पंखुड़ियाँ बनी होती हैं, ये इसके कुछ बेसिक करेक्टर हैं, आप इस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हैं। बात करें कि इसके उत्पादन की, तो कितना उत्पादन आप जैसे दो सालों से इसकी बिजाई कर रहे हैं, तो इसका उत्पादन आपको कितना देखने को मिला है? लेकिन मेरे पास तकरीबन 1.5 एकड़ पिछली बार 1400 एकड़ लगा था उसकी, मेरे पास आज भी पेड़ी खड़ी है हमारे पास उसकी। तो हमारा अगर हम लोग एकड़ की बात करें तो तकरीबन हमारा जो एकड़ का निकला था 540 क्विंटल तक किसान वीरों हम लोगों ने साफ प्रोडक्शन काटा था। काफी अच्छा उत्पादन है हमारा, काफी अच्छा क्रंच विधि से इस साल हमने बुवाई की 4 फीट पे, इसी तरीके से क्रंच पे ही दो लाइनें थी हमारी 4 फीट के गैप पे, तो काफी अच्छा प्रोडक्शन इसलिए आया था क्योंकि उस वैरायटी में हम लोगों ने ये देखा था कि बाकी अन्य वैरायटियों की तुलना करते तो भार में वैरायटी सबसे आगे है, यानी भार साठी का बहुत ज्यादा है, इंटरनल लोड काफी रहता है। और बहुत ही सवाल का एक सवाल ये भी था कि इसमें रोग तो नहीं है सर? जो भयानक रोग है जैसे रेड रोड या पोका बोन वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि छोटे मोटे जो हमारे कीड़े जैसे पत्ती चूसने वाले ये आपको सभी बैटरियों में देखने को मिलेंगे। हाँ, कोई भी प्लांट है आपका तो आपको थोड़े बहुत उसमें कीट नजर आ सकते हैं, ये तो एनवायरमेंट पर डिपेंड है, तो आपको थोड़े बहुत आपको इसमें कीट नजर आ सकते हैं, वो कोई भी बैटरी होगी कुछ ना कुछ तो आपको लगेगा। परंतु जो सीरियस पेस्ट है जैसे रेड रॉट हुई, पोका बोइंग हुआ, विल्ट हुआ, आपको जसमट हुआ, इसका आक्रमण आपको इस वैरायटी पे देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सेफ वैरायटी, अगर आप इसकी बुवाई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा यह उत्पादन देने की क्षमता रखती है। जैसा कि आपने इसका स्पेस जो देखा गया है काफी रखा है बीच में जी, तो हमारे जो किसान भाई इसके क्वेश्चन करते हैं कि हमें इसका स्पेस ज्यादा रखते हो तो इसका उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ता है, उत्पादन का मतलब क्या है? यह बात फैक्ट है कि उत्पादन में बीच की गैप ज्यादा रखने पर कब आता है? नहीं, ऐसा नहीं, जब आप गन्ने का स्पेस ज्यादा रखेंगे तो उससे क्या होगा, गन्ने को प्रॉपर हवा मिलेगी, प्रॉपर इसको प्रकाश मिलेगा। जब गन्ने को हवा अच्छी मिलेगी और प्रकाश अच्छा मिलेगा तो गन्ने की जो मोटाई लंबाई है ऑटोमेटिकली अच्छी बढ़ेगी। ये ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग एक कमरे में 20 लोग रखे हों और एक कमरे में खाली दो लोग खाली रहते हों तो जो 20 लोग रहेंगे उनमें आप देखेंगे बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी, ठीक है, उनमें जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो भी कम होगा। ठीक उसी प्रकार इन पर भी वैरी होता है, जब इसको अच्छा स्पेस, अच्छा पानी, अच्छा हवा मिलेगी, खुली हवा मिलेगी, तो मिट्टी जो मोटाई लंबाई है समान गन्ने की, जो मोटाई 1 किलो होती है उसकी मोटाई 2 किलो आपको नजर आएगी। यानी कि किसान भाई हमारे जो स्पेस है इसका जो बीच वाला है ये 4 फीट और जो लाइन से लाइन की दूरी वो 2.5 फीट के तौर पर रखने से बिजाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपके पास बीच की किसानों कमी है तो आप इसको सिंगल लाइन में प्लांटिंग करें, जैसे हमारे पास बीज था प्रयात, हमने उसे डबल लाइन ट्रंच में बोया है। अगर आपके पास बीज कम है तो आप इसको सिंगल लाइन में खाली लगाइए, सिंगल लाइन में तकरीबन आप जितने कल्ले ले पाए उतने आप इससे ले सकते हैं। सिंगल लाइन के तौर पर किसान भाई कितना स्पेस रखे हैं जो सिंगल लाइन की बिजाई करें, जैसे कि आपने डबल लाइन की बिजाई की, सिंगल लाइन की बिजाई करें? अगर आप बहुत से किसान भाई हमारी से पूर्वी यूपी की बात करें तो पूर्वी यूपी में गन्ने का स्पेस ज्यादा नहीं रखते हैं, और हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में किसान हमारे 6 फीट पे गन्ना बो रहे हैं। वही हम लोग अगर पूर्वी यूपी की बात करें तो यहाँ किसान स्पेस रखने थोड़ा डरते हैं कि इनका उत्पादन कहीं कम ना है, तो सर ऐसा नहीं है। अगर आप नए गन्ने की किस्म बोने कह रहे हो तो कम से कम आप सिंगल लाइन में 4 फीट का गैप जरूर रखें, नहीं 4 फीट का रखना तो कम से कम 3 फीट का जरूर रखें, क्योंकि बहुत से किसान हमने नए गन्ने में देखा है जो हमारा जो सदा रेजर होता है उसी से नए बीज की बुआई कर देते हैं, उसमें बहुत ही पास हो जाता है, टिलिंग कम आती है, गन्ना का बीज आपका कम बनेगा। तो कोशिश करें आप कम से कम 4 फीट सिंगल लाइन में बोएं, और जो आँख से आँख का स्पेस है वो कम से कम 1 फीट रखें, जैसा कि इसके हम लोगों ने 1.5 फीट का गैप रखा है, परंतु आप 1 फीट से कम जरूर रखें, 1 फीट से आप कहते हैं इसमें स्पेस कम ना रखें आँख से आँख का, और जो बीज की दूरी है वो तकरीबन 3.5 या 4 फीट रखें, बहुत ही अच्छा रहेगी। जैसा कि किसान भाई हमारे सिमरन जी ने बताया कि आप इसके गैप से ना डरें, गैप आप जितना ज़्यादा रखेंगे उत्पादन आप उतना ही अच्छा इस प्रजाति का ले सकेंगे। जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि ये मतलब प्रजाति पर कोई कीट जैसे दूसरे देखने को मिलते हैं, कीट पत्तियों पर काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और उसे रोग रोते हैं, जैसे रेड रॉट ने काफ़ी परेशान किया हमारे किसान भाइयों को, 0.8 बिल्कुल हट गई है, तो क्या कहीं ना कहीं ये उसका विकल्प मान सकते हैं कि ये प्रजाति उसका विकल्प निकल के आएगा?
हाँ भाई, जरूर आप इसको उसका 238 का विकल्प आप जरूर इसको मान सकते हैं, क्योंकि बात ये होती है कि जो हमारी 0238 थी उसका भी जो प्रोडक्शन ज्यादा बम्फर निकल के आया वो 3-4 साल 5 साल जब हमारे प्राइवेट में ढल गई थी तब उसका प्रोडक्शन अच्छे से निकल गया। ये भी बाटियों को हमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये बाटियाँ बिल्कुल अभी नहीं है, जब हमारा 2-3 साल इसको क्लाइमेट में ढलेंगी, मिट्टी को अच्छे से पकड़ेंगी, तब इसका जो रिस्पांस है और भी अच्छा आएगा। आज से 2 साल पहले जो हमारे पास किस्म थी 1401 और आज की 1401 उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ गया, क्योंकि शुरुआत में इसकी मोटाई भी कम थी, लंबाई भी कम हो रही थी। जैसे जैसे हमारे इसको खेत में लगाते गए 2 साल आगे हो गए, तो इसकी मोटाई जब हम लोग लेके आए थे दूसरे से, उससे इसकी मोटाई भी दोगुना हो गई है, लंबाई काफ़ी अच्छी आई है, तो आगे आगे इसका और भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा हमें। और इसकी सबसे बड़ी बात, इसमें आपको सीरियस ट्रिक से पोका बोइंग रेड रॉड ये या विल्ट आपको इसमें देखने को कहीं नज़र नहीं आएगा। जैसे कि पहले वर्ष आपने इस प्रजाति का लगाया तो किस प्रकार का आपको उत्पादन देखने को मिला था, कितना उत्पादन नॉर्मली जो उत्पादन रहा था वो आपका कितना रहा था? देखिए उत्पादन आप पे बहुत सी कंडीशन पर वेरी करता है, जैसे आप मान लीजिए कौन से महीने में गन्ने की बुआई करते हैं, कितना उसमें स्पेस रखते हैं। तो हमारा जो अक्टूबर माह की बुआई थी, जो धान वाला खेत था उसमें हम लोगों ने जैसा आपको बताया 540 क्विंटल हमारा एकड़ का निकला था, जो गेहूं काट के लगाया उसका भी हमारा 70 क्विंटल बिघे का निकला था जो गेहूं काट के लगाया था। तो कुल मिला गेहूं काट के इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा हमारे खेत में आया था। जैसा कि ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हो कहते हैं कि 1401 प्रजाति की बिजाई ना के, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। 1401 प्रजाति काफ़ी अच्छा रिस्पांस लेकर प्रजाति तैयार हो रही है, इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है, गन्ने में कोई रोग नहीं है, काफ़ी रोगों से भी ये बची हुई प्रजाति है। तो किसान भाई ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, अगर किसान भाई हमारे इस गन्ना प्रजाति का बीज प्राप्त भी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर कुछ शो हो रहे हैं, आप पूरी शुद्धता से जो हमारा बीज प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का आप इसे धोखाधड़ी वाला काम नहीं होगा। ऐसी कुछ बेसिक करेक्टर आपको बताए गए, आप किसी भी जगह से अगर बीज प्राप्त करें तो आप इसके बेसिक करेक्टर चेक करके जरूर लाएं। धन्यवाद। अगर किसान भाई हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी किसान हमारे इस वीडियो से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।